गुड इवनिंग दोस्तों, की हाल चाल, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। एक होर ट्रिप दी स्टार्ट हो गई है, तो देख रहे होंगे मेरे अखां च नींद आ रही है, तो मेरी आंखों में नींद आ रही है, सॉरी। हिंदी वाले व्लॉग हैं तो पंजाबी बीच में घुस जाती है, पंजाबी का असर ही ऐसा है। सो भाई साहब हमारे, मतलब मेरा बच्चा प्यार है जाने के साथ में, बीवी भी रेडी हो रही है। सो निकल रहे हैं एक नए ट्रिप पे, और इस बार वॉयजर्स ऑन व्हील्स नहीं होंगे, वॉयजर्स ऑन विंग्स होंगे। तो जा रहे हैं एयरपोर्ट, डोमेस्टिक ट्रेवल है बट थोड़ा दूर है इसलिए प्लेन पे जा रहे हैं। आई थिंक वैसे तो खैर थंबनेल ही ऐसा होगा जिसे पता लग ही जाएगा कहाँ पे जा रहे हैं, तो इसलिए बता ही देते हैं, सरप्राइज रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, थंबनेल भी तो बनाना होता है ना। सो जा रहे हैं हम गोवा, तो कुछ दिन के लिए जा रहे हैं वहाँ पे, साउथ गोवा भी जाएंगे, नॉर्थ गोवा भी जाएंगे। और फ्लाइट हमारी बस अर्ली मॉर्निंग की है, तो हम बस निकल रहे हैं, 5 मिनट में हम उबर बुक कर देंगे, गाड़ी आ जाएगी, नीचे सामान डालेंगे, जाएंगे। बाकी चलो सामान गाड़ी में रख के फिर बात करते हैं। हेलो, बीवी भी तैयार है? हाय। बड़े दिनों बाद मिले हैं, बड़े दिनों बाद निकले हैं। ऐसा है, आपने अभी पीछे जितने भी ज्यादातर व्लॉग देखे होंगे वो रंजीत अकेले होंगे, बस एक आधे व्लॉग में कहीं हम होंगे जहाँ ट्रैवल कर रहे होंगे, तो उसका रीजन है ये छोटू सा बेबी हमारा है ना बेबी, तो पर अभी हम निकल रहे हैं एक ये तो ड्रीम ट्रिप था ना। हाँ, बेसिकली गोवा पहली बार ही जा रहे हैं, मतलब बीचेस पे भी पहली बार जाएंगे। मैं बहुत बचपन में गया था दुबई में एक बीच पे, तो उसके बाद तो कभी भी नहीं गए। ये भाई साहब बचपन में ही चले जाएंगे, ये भी बचपन में जाएगा, ये भी बचपन में ही जाएंगे। तो बस तैयारियां होगी, सामान अपना पैक है सारा, निकलते हैं फिर, गाड़ी में मिलते हैं, ठीक है? क्योंकि अभी हम हो रहे हैं लेट, आपको फिर इत्मीनान से मिलते हैं गाड़ी में, राइट? ठीक है, बच्चे के साथ ट्रैवल करना इट्स नॉट इजी एट ऑल, स्पेशली मदर्स के लिए। चलो देखते हैं ट्रैवल करके। सो निकल पड़े हम, गाड़ी में बैठ गए हैं, और हम हमारे साथ हमारे फ्रेंड्स भी हैं, वो आगे कैब में चलते हैं। पता है हम टोटल 5 लोग हैं दक्ष को मिला के, और सबसे ज्यादा किश पता कौन है? दक्ष। आपके तो कुछ नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं, कहीं पैसे जा रहे हैं। अरे वाह, देखो लो ही हम पहुंच गए टर्मिनल 3 पे, और यहाँ पे हमारी एयर एशिया की फ्लाइट जाएगी गोवा, तो चलते हैं आगे। आई थिंक 3 नंबर में शायद जाना है, तो हमारे फ्रेंड वो भी इधर है, ठीक है चलो मिलते हैं। एक मेरे बच्चे को पकड़ लूँ मैं, वही चेक इन करवाने लगे हुए, और एयरपोर्ट के अंदर हम जोन 3 में चेक इन करने लगे, जो चेक इन कर रहे हैं बैग चेक इन में डालने लगे, बैग चेक इन करा के फिर आगे मिलते हैं। तो वही दक्ष को हमने ऐसे बिठा दिया ट्रॉली में, और जा रहे हैं अपने गेट की तरफ। ये पता नहीं हमारे साथ ही क्यों होता है, बॉटल हमने यहाँ से 2 बॉटल ली और यहाँ पे अटक गई हैं, नीचे निकल नहीं रही। अब पहले हमारे बच्चे की टिकट इन फैन की बन गई, वो कहते जी ये तो बड़ा है, टिकट दोबारा बनाओ, ये लो। तो 2 कांड हो गया आज हमारे साथ, तो कस्टमर केयर पे बात कर रहे हैं। गेट नंबर कौन सा है? गेट नंबर 40। सो हाउ आर यू फीलिंग? सो गेट क्लोज होने वाले हैं, फाइनल कॉल आ चुकी है, और हमारी एंजाइटी की हद नहीं है। सो हम टेक ऑफ कर चुके हैं, और जल्दी सो गई है, मजे की बड़ी बुरी हालत हुई थी जब टेक ऑफ हो रहा था, और दक्ष भी सो गया है, बड़ा मुश्किल से सोया, कंफर्टेबल नहीं हो रहा है, इतनी कंजेस्टेड फील हो रही है, मेरे लिए भी लेग रूम नहीं है, दलजीत के लिए भी लेग रूम नहीं है। तो मैं तो पहली बार डोमेस्टिक में बैठा हूँ, दलजीत पहली बार बैठी है, वैसे दलजीत डर गई है, कहती है कि यार टर्बुलेंस हो रही है, एक्चुअली दलजीत डर गई, पता नहीं क्यों जीत रहा। हम पहुंच गए हैं डबल एम एयरपोर्ट गोवा।
तो चलो बैग लेके बाहर मिलते हैं फिर। चलो सो हम पहुंच गए हैं, मैडम जी बैठी हैं बच्चे को लेके, बैग भी अपने ले लिए हैं और बस अब निकलते हैं होटल के लिए। वैसे तो चेक इन 12 बजे का होता है, तो जाके पूछेंगे कि अगर कोई मतलब अर्ली चेक इन वाला ऑप्शन हो तो, नहीं तो देखते हैं वहाँ कुछ बैठने की जगह तो होगी। सो होना ये चाहिए कि आप फ्लाइट उसी हिसाब से लो जिस हिसाब के आपके चेक इन है। ये थोड़ी सी गलती होगी। दूसरी गलती ये है कि बच्चा जो साथ में हो तो प्रैम जरूर चाहिए, नहीं तो लग जाती है। वो तो हमें वहाँ पे छोटी ट्रॉली मिल गई थी, हमने बच्चे को ट्रॉली में बिठा दिया, लेकिन प्रैम चाहिए। मिलते हैं फिर, तो निकलते हैं टैक्सी में, टैक्सी करते हैं और जाते हैं। हमने टैक्सी कर ली है, ये है शेवरले की एंजॉय, 2500 रुपये है जब ना पैराडाइम बीच तक जाने का। काफी महंगे हैं यहाँ पे टैक्सी के रेट, सब जगह ही है, गवर्नमेंट के भी यही है, इनके भी यही है। तो चलो पहुँच के मिलते हैं फिर। तो ये गाड़ी हमने बुक कर ली, ये शेवरले की 2550 रुपये में इन्होंने बुक करी है। ये यहाँ से ये इसके जो फेयर है वो गवर्नमेंट रेट पे ही है। ये एयरपोर्ट के पास आते वक्त ही नहीं हर, क्यों? प्राइवेट वाला है। अच्छा प्राइवेट है उधर से, ओके ओके। तो यहाँ से पैलोलम जो करीब करीब 2 घंटे का रास्ता होगा, डेढ़ घंटे का रास्ता है। सही है, और हमारी थोड़ी किस्मत अच्छी है कि गोवा में एंट्री थोड़े अच्छे मौसम से हुई है, ज्यादा गर्मी नहीं है, 2 दिन से अच्छा मौसम है। ये मेरा सामान बांध दिया इन्होंने और ये दूसरा सामान पीछे बैठा है। चले फिर। तो ये था अपना डबलिन एयरपोर्ट, यहाँ से हम निकले हैं और जाएंगे पैराडाइम बीच जाएंगे। और 2 घंटे का रास्ता है वैसे, तो हो सकता है कि रश ना हो तो जल्दी पहुंच जाए। तो बेसिकली चक्कर ये है कि होटल तो वहाँ दिख रहा है, लेकिन शायद यहाँ से गाड़ी जाने का जुगाड़ नहीं है। उधर से है रास्ता, वो देखो वो रोड है, ये भी तो गाड़ियाँ आई है ना, तो ये कहते थे कि गाड़ी आ नहीं सकती क्योंकि गाड़ियाँ तो आ रही हैं। थोड़ा टरकाने की कोशिश कर रहे हैं, सो लेट्स सी क्या होता है। पैदल भी जैसा थोड़ा सही है, बट ऐसा इनको करना नहीं चाहिए। चलो जी, हमने रूम में चेक इन कर लिया है, अभी एक ही रूम मिला है तो सारा सामान इधर ही है, क्योंकि अभी हम काफ़ी जल्दी आ गए, तो अभी 12 तो बजे नहीं है क्योंकि 12 बजे चेक इन होता है। तो दूसरा रूम जब चेकआउट होगा तब मिलेगा। और भाई साहब ने एकदम चैन की सांस ली है बेड पे पड़ते ही। तो चलो मैं थोड़ा बाहर का व्यू दिखाता हूँ। तो ये बाहर का व्यू है और सामने समंदर दिखाता हूँ मैं। तो ये रहा बीच, ब्यूटीफुल बीच, ब्यूटीफुल पैरोलम बीच, यहाँ पे करेंगे मस्ती आज। तो अभी इतना ही, ये वाला व्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं, बाकी की आगे की आगे जो भी होगा वो नेक्स्ट व्लॉग में, तो नहीं तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। चंगा जी, रब रखा।